हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट वाईफाई सिग्नल को हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारा वाईफाई किसी भी कहीं से भी कनेक्टेड है तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कितना उसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है, तो उसे फाइंड करने के लिए हम अपना CMD ओपन करते हैं। और ओपन हो जाने के बाद हमें यहाँ पे दो कमांड यूज करना होगा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वाईफाई सिग्नल को फाइंड करने के लिए। यहाँ से हमें टाइप करना होता है NETSH WLAN एंड सो नेटवर्क मोड इक्वल्स टू, आपको ये कमांड देना होगा वहाँ पे। इतना होने के बाद हम इसे यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे दो हमारा कनेक्टेड है, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे दो वाईफाई यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 शो हो रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे 2 शो हो रहा है। तो इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 35% है। अगर आपका 60% से कम है तो वो वीक होगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90% है, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो इससे स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग जिसका सिग्नल है वो हमारा रेडमी का है, जिसका जो सिग्नल है 90% है। तो इस तरह से हम यहाँ से वाईफाई का सिग्नल्स हम फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा कमांड हमारा होता है यहाँ से NETSH interfaces, फिर हम यहाँ से इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पे इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, अगर आपका यहाँ पे कई सारा शो हो, अगर 5 या 6 जितना भी कनेक्टेड हो आपके वाईफाई से, तो कई सारा शो हो, उसके बाद से आपको चेक करना है इन पूरे में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आपको यहाँ पे बता देगा। इसमें से आपका जो रेडमी है, यहाँ से देखिए रेडमी का है वो 80% है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है उसमें से। तो इस तरह से आप रेडमी से कनेक्ट करेंगे तो आपका जो वाईफाई का सिग्नल होगा वो आपका अच्छा स्पीड देगा। तो इस तरह से हम वाईफाई की स्पीड को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।